जी तो दोस्तों अपना पराठा आ चुका है, गरम गरम पराठा और सारे परफ्यूम दे दिए। अच्छा यार बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत की। क्या ये है दोस्तों अपना चेती साहब, और माशाल्लाह काफी फेमस है, रश आप देख सकते हैं। और मैं जा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 1:30 और अभी क्रिकेट खेल के फ्री हुआ हूँ। क्रिकेट का व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि कोई मोबाइल का वो पकड़ने वाला नहीं था, तो खैर अभी सोचा है कि कोई देसी नाश्ता करते हैं, देसी सहरी करते हैं। कल भी मैंने निहारी खाई थी लेकिन आज उससे ज़्यादा देसी और हैवी नाश्ता करने का सीन बनाया हुआ है। मेरे साथ एक दोस्त हैं, उनको मैं आपका इंट्रोड्यूस करवा दिया ऑलरेडी, आज फिर करवाऊँगा। और अभी निकलते हैं और जो आगे होगा वो आपसे शेयर करेंगे। जी तो दोस्तों अपने दोस्त आ चुके हैं हाफिज़ मुदस्सर साहब, देखते हैं हाफिज़ साहब इतनी लेट क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। सलाम फकास भी, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया। हाँ सब, बहुत देर कर देते हैं आप आने में, 1:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। असल में मैंने आपको फ़ोन किया था और आप क्रिकेट खेल रहे थे और मैं ज़ाहिर है तरावी पढ़ा रहा था, कुरान मजीद सुनाने के बाद मैंने अगली मंजिल को याद करना था, इस वजह से मैं लेट हो गया। तरावियाँ पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था इस दफा। अल्हम्दुलिल्लाह 23 सिपारी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कब आपका खत्मे कुरान कब होगा? 27वीं शब को जी इंशाल्लाह। चलो आपके खत्मे कुरान में इंशाल्लाह ताला मैं जरूर हाजिरी लगाऊंगा। तो अभी आज सीना है सहरी का? हाँ इंशाल्लाह अब सहरी करेंगे। आपका क्या मूड है खाने का? बस देसी कोई फूड करेंगे। सिंपल या देसी? देसी में निहारी, निहारी मैंने कल खा ली है। नहीं कुछ और देखते हैं, कुछ देसी मुर्ग देखते हैं, पाए देसी मुर्ग वगैरह। चले चले आप चलते हैं। जी तो दोस्तों अपना सफर हो चुका है शुरू और अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाके हमारी ब्रेक लगती है। तो एटीएम मार लेते हैं दोस्तों। जी तो दोस्तों सबसे पहले हम आए हैं इस पराठे वाले के पास और ये भाई साहब सड़क के किनारे बैठे हैं और रश इनके पास बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेक लगा ली है। ये साग वाला पराठा, आलू वाला पराठा और मूली वाले पराठे लगा के दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम है। भाई साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है? कौन कौन सा पराठा आपके पास? आलू मूली, आलू मूली और अंडा पराठा। सहरी तक तड़का माशाल्लाह जारी रहेगा। चलो अल्लाह ताला बदल भाई जी, टेस्ट करते हैं फिर। जी तो दोस्तों अपना पराठा आ चुका है, गरम गरम पराठा और ये इसके ऊपर साग है। अब साहब टमाटर वाली मिर्च है? टमाटर की चटनी है, चटनी है सॉरी, और ये ऊपर मक्खन है। बाइट लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा टेस्ट है। अच्छा इसमें पहले देखते हैं साहब पराठे में क्या है। आलू वाला पराठा गरम बहुत है साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ेदार है। जी तो दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि मैं पराठे खा रहा हूँ और मैंने आपको कहा था हमने हैवी नाश्ता करना है। अच्छा दरअसल बात यह है कि मैंने यहाँ से यू टर्न लिया ना और साथ ही सड़क पे ये भाई बैठे हुए थे पराठे लगा के, तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सोचा कि एक बार पराठा खा लेते हैं। पराठा बड़ा हैवी है और पेट फुल हो गया, लेकिन हम फिर भी अपना जो नाश्ता सोच के आए वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। पराठा शराठा खाने के बाद दोस्तों हाफिज़ साहब है माशाल्लाह खतीब और तरावीह पढ़ाते हैं, जुमे वगैरह पढ़ाते हैं, तो खुशबू सुनते रसूल भी है, तो इन्हें खुशबू वाली दुकान नज़र आ गई है। उस शॉप पे ये देख रहे हैं खुशबू अपने लिए और मैं इनका इंतज़ार कर रहा हूँ कब ये फ्री होते हैं। ये तो दोस्तों हाफिज़ साहब को कोई परफ्यूम नहीं पसंद आ रहा। हाफिज़ साहब मेरी टांगे थक गई हैं, बस करें आप। नहीं अलम, अब मुझे फाइनल पसंद आ गया, मैंने ऊद अबियज ली है। कौन सी ली है? ऊद अबियज माशाल्लाह। यार इन्हें दे कोई खुशबू, दे इन्हें फारक करें हमें। चलो इन्हें जल्दी से फारक करें, मैं कमजोर सा बंदा हूँ, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा टांगों पर। मुझे भी कोई गिफ्ट कर दे। अच्छा चलें ये आपकी मोहब्बत है। फाइनली भाई ने हमें फ्री कर दिया और सारे परफ्यूम दे दिए। अच्छा यार बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहब्बत की। आप एड्रेस बताएं अपना। ये आप
अनारकली जब भी आए तो भाई के पास आपने जरूर आना है। तो अनारकली के बिल्कुल नियरेस्ट ही है, मुस्लिम मस्जिद की ऑपोजिट है। शॉप का क्या नाम है? शॉप नेम है अलूद परफ्यूम्स। ओके, इंशाल्लाह जो भी अपना व्लॉग देखेगा वो जरूर आपसे रब्ता करेगा। कोई आए ना, हम तो दोबारा आएंगे आपके पास। ओके अल्लाह। A few moments later. दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ मशहूर सलीम बट चने वाले के पास। राशिद के पास भी बहुत ज़्यादा है और इनको देते हैं ऑर्डर और चेक करते हैं इनके भी चने। सलीम बट साहब और हाफ साहब वाह वाह बट साहब तो हाफ साहब के दीवाने निकले हैं माशाल्लाह। देखें कैसे खुश हो रहे हैं उन्हें देखकर। माशाल्लाह रश बहुत ज्यादा है इनके पास और हाफ साहब का ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और बड़ा इनका नाम है सलीम बट चने वाले उर्दू बाजार। अच्छा हाफ साहब मैं तो हैरान हूँ आपको सलीम बट साहब जानते हैं और सारी दुनिया जानती है, क्या वजह था? इनकी मोहब्बत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की अता है। बड़े मशहूर फेमस से हैं माशाल्लाह पूरे लाहौर में और इनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा वो है और दो तीन घंटे की गेम होती है आम दिनों में भी। हाँ कितने मन चले बेचते हैं। नाम तो इनका बहुत है मैंने सुना हुआ, लेकिन मुझे इस चीज़ का तजस्सुस है कि आपको ये जानते हैं और दूसरा ये कि आप अकेले भी आते हैं मुझे लगता है हमारे बगैर। बस उसके बाद ये कि अल्लाह ताला की अता है। चले जी तो दोस्तों नाश्ता अपना आ चुका है, सलीम बट साहब के चने और कोफ्ता। लेट आने की वजह से हमें ना तो मटन चने मिले और ना मुर्ग चने, बहरहाल ये कोफ्ता और अंडे चने आए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं देखने में और खाने में भी अच्छे ही होंगे। ये तो हाफ साहब अभी मैं ना एक बाइट लेता हूँ और मैं फर्स्ट टाइम खाने लगा इनका नाम सुना था मैंने पहले और ये देखें माशाल्लाह। अंडा भी थोड़ा लगा लेते हैं, हैवी बाइट लेते हैं फुल लोडेड बाइट ताकि जो स्वाद है ना इनका वो हम फील कर सकें। अच्छा ये बाइट बन गई और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओए होए 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 हाँ मज़ा आ गया, फील हुआ वाकई नाश्ता मुझे, इनका टेस्ट है। सलीम बट साहब का नाश्ता हमने कर लिया, एक एक नान खाने का हमने डिसाइड किया था लेकिन चने इतने ही मज़ेदार थे कि हमने एक एक से ज़्यादा नान खा लिए हैं। खैर कोई बात नहीं, नाश्ता अच्छा हो तो फिर खा लेना चाहिए और बात सही है। और अब इतना ज़्यादा खा लिया कि मेरे ख्याल में एसिडिटी हो जानी है तो तो इसका हम कोई देखते हैं सोल्यूशन, कोई हम पी लेते हैं सोडा वगैरह। जी आप साहब मेरा तो मशवरा है कि यहाँ पे मशहूर है जैदे की लस्सी। जैदे की लस्सी? हाँ लस्सी पीते हैं मज़ा भी आएगा। हाँ साहब इतने नान खा लिए लस्सी पी लेंगे तो मैदा जरा स्टक नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, तंग होंगे मेरे हिसाब लगा लें। नहीं होगा, चले फिर निकलते हैं। मेरा तो नहीं होगा, आपका तो पता नहीं क्या होगा। जी तो दोस्तों ये है जैदे की लस्सी वाला, राशि देख लें आप कितना ज़्यादा मुझे नहीं लगता हमारा यहाँ पे नंबर आएगा और टोकन देने का नंबर ही नहीं आ रहा तो फिर लस्सी कैसे मिलेगी? यहाँ पे ये सिस्टम है कि टोकन लेना पड़ता है फिर लाइन में लगना पड़ता है और फिर जाके लस्सी मिलती है। ये है दोस्तों अपना जैदी साहब और माशाल्लाह काफ़ी फेमस है, रश आप देख सकते हैं और मैं जाके हाफ साहब को कहता हूँ कि वापस चलते हैं, लस्सी आज रहने दें फिर किसी दिन आएंगे। ये तो दोस्तों जैदे की लस्सी हमने कोई नहीं पी, सीधी सी बात है। राज साहब ने देख लिया था कितना ज़्यादा और मैंने सोचा कि यहाँ से चलते हैं क्योंकि जेब पत्र भी होते हैं, जेबों में सामान था, दूसरा राश बहुत ज़्यादा था, तीन घंटे में बारी आनी थी तो मैंने सोचा कि चलते हैं यहाँ से और अब हम आगे निकल आए हैं। अब यहाँ से कोई लस्सी या कोई बोतल वगैरह पीते हैं। जी तो दोस्तों रात के इस पहर 3:30 बजे फ्रूट खरीदा जा रहा है, ये केले लिए हैं और ये तरबूजे लिए हैं और ये सेब ले रहे हैं। अंदाज़ा लगा लें आप हमारा, रात को 3:30 बजे हम फ्रूट ले रहे हैं, कल अफ्तारी का सीन है और अभी से फ्रूट ले रहे हैं। अब भाई साहब हमें देख के हंस रहे हैं, कोई बात नहीं भाई साहब, अल्लाह ताला आपके रिजक में इजाफा करे जी, आमीन। 2000 years later जी तो दोस्तों फाइनली लस्सी हमारी हमारे मुकद्दरों में थी और मिल रही है, क्या बात है।
अंदरों लाहौरों असं चले हैं और देखो कितने आके पी रहे हैं। जेदे को गए हैं तो बहुत ज़्यादा रश ही बहुत ज़्यादा वापस हो गया उतों जी। तो दोस्तों फाइनली लस्सी मेरे हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह और अब सुकून हो गया पी के। जी आप साहब मैं चलता हूँ घर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। बहुत शुक्रिया जी, जाके नमाज वगैरह पढ़ते हैं सोते हैं ठीक है, सुबह दफ्तर भी जाना है। टाइम एंड हो गया, ओके अल्लाह हाफिज़ है। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को आपको पता चल सके। तो अभी दीजिए मुझे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।